subject is the branch of pharmacy that deals with the conversion of new chemical entity NCE. इसको आपने अच्छे से याद रखना है. NCE जो छोटी-छोटी मुखफ्फफ होते हैं ना, इनको आपने अच्छे से याद करना है क्योंकि पेपर में अक्सर मुखफ्फफ आए होते हैं. NCE टू प्रॉपर डोजेज फॉर्म ड्रग डिलीवरी सिस्टम. ठीक हो गया जी. अच्छा वो कहते हैं जी फार्मास्यूटिक्स को हम अगर इसको छोटे अंदाज में इसकी डेफिनेशन करें ना, तो हम कहेंगे कि फार्मास्यूटिक्स कन्वर्ट्स आर ड्रग इन टू आर मेडिसिन. ठीक हो गया जी. अच्छा कहते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड एज द साइंस ऑफ डोजेज फॉर्म. डोजेज फॉर्म की साइंस को भी वो कहते हैं, इसको कह सकते हैं. तो आगे पढ़ते हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम. इट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग और मेडिसिन टू द लिविंग सिस्टम फॉर देयर डिजायर्ड एक्शन इन बॉडी केयर मैनेजमेंट और प्रोफाइलेक्सिस ऑफ डिजीज. ये समझने वाली बात है. वो कहते हैं कि ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है. मेडिसिन तो है हमारे पास, हमने उसको देना कैसे है. फिर अगर हमने उसको देना है तो उसकी उसका हमने क्या चेक करना है, उसका क्योर चेक करना है, यानी उसको कितना इलाज कर रही है वो, और उसकी मैनेजमेंट को हमने करी, उसको कैसे हमने मैनेज करना है, कैसे देना है, और उसका प्रोफाइल एक्सेस ऑफ डिजीज. अच्छा आप प्रोफाइल एक्सेस आपको नहीं पता, प्रोफाइल एक्सेस समझ नहीं. प्रोफाइल एक्सेस ये होता है कि यार इसको कहीं बंद कर. प्रोफाइल एक्सेस ये होता है कि जैसे कोई बीमारी आई हुई है तो आप उसको बचने के लिए आपने पहले से कोई दवा खा ली. मिसाल के तौर पर डेंगू आया था तो उसके लिए डेंगू की पहले कोई अगर आप बन गई उसके लिए तो नहीं बनी, लेकिन कोरोना के लिए वैक्सीन बन गई. ठीक है, तो उसको हम कबल अज लगवा रहे थे, किसी को कोरोना नहीं होता, लेकिन हम कोरोना के लिए वैक्सीन लगवा रहे थे कि भाई ये इसको कोरोना ना हो, इसको वैक्सीन लग जाएगी इसको कोरोना नहीं होगा. इसको कहते हैं प्रोफाइल एक्सेस मैनेजमेंट कह लो, प्रोफाइल एक्सेस कह लो. ठीक है जी. आगे कहते हैं मेडिसिन और ड्रग डिलीवरी सिस्टम. मेडिसिन क्या होते हैं, ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है कि हमने कैसे दवा देनी है. दे आर मीन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेट ड्रग टू द बॉडी इन अ सेफ एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट मैनर. मतलब ये इसलिए होते हैं कि हम उनको कैसे एडमिनिस्टर करेंगे मरीज में, यानी मरीजों को कैसे देंगे, उसमें हम किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि ये सेफ ड्रग है, उसके बाद ये एफिशिएंट है कि इसको जिस बीमारी के लिए दी जा रही है इसको ठीक कर देगी, उसके बाद इसको हम कन्वीनियंट मैनर में देंगे. ठीक है, अब आ गए जी डोजेज फॉर्म. इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं डोजेज फॉर्म का. डोजेज फॉर्म इज द फिजिकल फॉर्म ऑफ अ डोज ऑफ ड्रग एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विच इज रेडी फॉर द यूज ऑफ पेशेंट इज नॉन एज डोजेज फॉर्म. अच्छा इसका दूसरी जो डेफिनेशन है हम उसको डिस्कस करते हैं. एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विच हैज़ डिफाइंड शेप एंड हैव प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ APIs एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कॉल्ड अ डोजेज फॉर्म. अच्छा आपने एक लेक्चर में APA पूछा तो उस वक्त मुझे APA जो है भूल गया कि भाई इसको क्या कहते हैं, उसको मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने कहा था कि सेकेंड डे बताऊँगा, नेक्स्ट डे बताऊँगा. अच्छा जी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी दवाई के अंदर जो दवाई होती है, यानी मिसाल के तौर पर आपने एक टैबलेट ली है, वो सिर्फ टैबलेट में दवा तो नहीं होती ना, उसमें हमने स्टार्च भी डाला था, याद है हमने दवाई बनाई थी स्टार्च की, इसलिए बनाया था कि दवा तो बिल्कुल माइन्यूट होती है, उसको हमने कैरी करने के लिए स्टार्च डाला था, उसको एक गोली की शेप दे दी, ऐसे था ना. तो जो उस दवा के अंदर, उस गोली के अंदर जो दवाई है उसको क्या कहते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. ठीक हो गया जी. अच्छा और वही जो है वो कहता है जी डोजेज फॉर्म कहलाता है. ठीक है कि वही डोज है, वही दवा है जो हमने उसको एक मकदार में 5 mg में या 10 mg में या जिसमें भी 100 mg में हमने उसको क्या करना है, मरीज को दे खिलाना है. ठीक हो गया. आगे कहता है जी डोजेज फॉर्म आर एसेंशियली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स टिपिकली इन्वॉल्विंग अ मिक्सचर ऑफ एक्टिव ड्रग कंपोनेंट्स एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट्स. ये बात समझने की वही बात हुई है जो मैंने अभी जिक्र किया कि स्टार्च को हमने पढ़ा था, उसमें हमने थोड़ा सा एक्टिव इंग्रेडिएंट डाला, API डाला और बाकी स्टार्च डाला, तो उसको क्या कहता है, वो कहता है कि एक्टिव ड्रग कंपोनेंट्स एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट, यानी वो जो दूसरा हम आटा डाल रहे हैं मिसाल के तौर पर स्टार्च डाल रहे हैं, स्टार्च को हम आटा कह देते हैं, वो क्या है, वो नॉन ड्रग कंपोनेंट है. इसी तरह सिरप के लिए हम जो पानी देते हैं, जो शुगर लेते हैं, वो क्या है, वो नॉन ड्रग कंपोनेंट है, जबकि उसके अंदर जो हम दवा मिक्स डालते हैं वो दवाई होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एक्टिव ड्रग कंपोनेंट. ठीक हो गया जी. आगे चलते हैं ड्रग स्लैश एक्टिव इंग्रेडिएंट स्लैश मेडिकामेंट स्लैश मेडिसिन मेडिसिनल एजेंट. अच्छा इसको थोड़ा सा समझ दें. ड्रग कहते हैं दवा को जो एक प्योर हालत में होती है, फिर उसको कहते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट या फिर उसको मेडिकामेंट कहेंगे, मेडिकामेंट जो दवाई हम खा रहे हैं, या मेडिसिनल एजेंट जो उसके अंदर
दवा की सूरत में दिस इज फार्माकोलॉजिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट इन अ मेडिसिन व्हिच हैज फार्माकोलॉजिकल एक्शन ईजी एस्पिरिन एस्पिरिन इंसुलिन डाइजॉक्सिन। अच्छा जी, वो कहता है कि ये फार्माकोलॉजिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो हम मेडिसिन में लेते हैं व्हिच हैज फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जैसे कि एस्पिरिन है। एस्पिरिन क्या है जी, उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उसको हम क्या कहेंगे, मेडिसिन, मेडिसिनल एजेंट या मेडिकामेंट। ठीक है जी, आगे आ जी, एडिटिव्स या एक्सपीएंट्स। अच्छा इसको समझ लें, कहते हैं एडिटिव्स आर द सब्सटेंसेस अदर देन द एक्टिव मेडिकामेंट इन द फॉर्मुलेशन डोजेज फॉर्म, इन फॉर्मुलेशन किसको कह रहा है, डोजेज फॉर्म को कह रहा है, विच डोंट हैव एनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ठीक है जी, विच डोंट हैव एनी फार्माकोलॉजी, यानी उसका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर हम स्टार्च मिलाते हैं, स्टार्च में हमने कितनी चीज़ें पढ़ी थी, ये नंबर चार चीज़ें पढ़ी थी, क्या क्या मकई, गंदम, चावल और आलू, जबरदस्त शाबाश, ये चार चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो इन चार चीज़ों का जो अपना मेडिसिनल कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक हो गया, मेडिसिन इफेक्ट किसका होता है, जो उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट डाला जाता है, ये क्या होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, एडिटिव्स या एक्सपीरियंस। ठीक है, अच्छा जी, दे आर यूज फॉर मेनी पर्पज, हम पढ़ते हैं ये क्यों यूज़ होते हैं, वो कहते हैं दे आर यूज फॉर मेनी पर्पज टू गिव अ पर्टिकुलर शेप टू द फॉर्मुलेशन, जो आपने फार्मूला बनाया था तो वही बनाई है, मिसाल के तौर पर आपने एक्सपीरियंस का फार्मूला ले दिया, आपने कस्टमर का फार्मूला ले दिया, वो जो आपने बनाया उसको प्रॉपर शेप देने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, या स्टार्च यूज़ करते हो, या वाटर या शुगर। ठीक है, टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, अच्छा उसकी जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए भी ये काम आते हैं। ठीक है, अच्छा जी, और उसको यानी उस दवा को उसमें उसके जो स्टार्च या पानी है जो भी है उसमें वो स्टेबल रहते हैं। टू इंक्रीज द क्या 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 है जी, पैलेटेबिलिटी एंड एलिगेंस ऑफ द प्रिपरेशन, यानी पैलेटेबिलिटी यानी आप जो उसको खाने के लिए देते हो यानी खाने के काबिल हो, और एलिगेंस ऑफ द प्रिपरेशन यानी उसकी खुशबू वगैरह या उसकी जो जायका है वो भी अच्छा हो। ठीक हो गया जी, एडिटिव्स में इंक्लूड सर्फेक्टेंट, डाइल्यूएंट्स, व्हीकल्स, बेसिस, स्टेबलाइजर्स, प्रिजर्वेटिव्स, कलरिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, स्वीटनिंग एजेंट्स। ठीक हो गया जी, अच्छा जी, हम अब देखते हैं ये क्या होता है जी, एडिटिव में इंक्लूड यानी एडिटिव में क्या क्या आ सकता है, इसमें क्या आता है जी, उसमें आता है जी सर्फेक्टेंट आता है, उसके अंदर डाइल्यूएंट्स आता है यानी उसके जो आपकी मेडिसिन थोड़ी सी है उसको डाइल्यूट करने के लिए आपने वाटर यूज़ कर लिया, उसके अंदर व्हीकल आता है, व्हीकल आप व्हीकल का मीनिंग जानते हैं, सवारी है जी, सवारी। ठीक हो गया, आपको पता है व्हीकल का मीनिंग, आपको पता है सवारी है, व्हीकल का मतलब है सवारी, ये जो आप वैन में आप में बैठना है व्हीकल है, उसे क्या करना है आपको, आपको यहाँ से लेके आपके घर तक समझा रही, अच्छा व्हीकल क्या किसको कहते हैं, सवारी को, मिसाल के तौर पर मैं पूछता हूँ आपके पास कौन सा व्हीकल है, आप कहते हैं सर मेरे पास मोटरबाइक, अच्छा है ना, अच्छा जी, तो दवा के अंदर भी व्हीकल यूज़ होते हैं। ठीक हो गया, जो दवा को यहाँ से उठा के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से उठा के आपके मुँह के अंदर या आपके मेरे तक जाने में मदद करते हैं। ठीक हो गया जी, अच्छा फिर आगे चलते हैं बेसिस और स्टेबलाइजर, यानी वही बात जो उसको स्टेबलाइज करते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा था फार्मास्यूटिकल में भी पढ़ा है और रिसेंटली हमने जगह का पढ़ा था, तो भी वो क्या उसके लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो हम मेरे ख्याल में आगे जाकर पढ़ेंगे कि वो आपको बताते हैं कि ये ड्रग आपके इसके अंदर जो है अगर आप ड्रग डाल देते हैं तो इतने अर्से तक इसको ख़राब नहीं होने देगा, इसको एक्सपायर नहीं होने देगा। ठीक हो गया जी, उसके बाद कलरिंग एजेंट होते हैं, आप अगर मार्केट में अगर आपने कभी गौर से देखा हो तो एक भी दवा होती है, सपोज पैरास्टामोल है, उसका किसी का कलर और होता है, किसी का और होता है, किसी का और, टेस्ट भी अलग अलग होता है, किसी ने बनाना का डाला होता है, किसी ने पाइनएप्पल का डाला होता है, किसी ने किसी और का डाला होता है, तो कलरिंग एजेंट भी यूज़ होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट वही बात जो मैंने अभी बताया बनाना का या उसका पाइनएप्पल का या स्ट्रॉबेरी का ऊपर लिखा होता है वो कैपनी होती है, बास का ये होता है कि पचल बड़ा होता है ना, साल दो साल दो साल से बड़ा, वो भी वो उसको कहते हैं जैसे कि जिसमें स्ट्रॉबेरी है वो बच्चा भी इजली दवा ही टेक कर लेते हैं। ठीक हो गया, और स्वीटनिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट में मोस्टली हमारे पास ग्लूकोज ही यूज़ होता है। ठीक है जी, आज यहीं तक, फिर आगे व्हीकल और डाइल्यूएंट्स को मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे जी। ठीक हो गया जी।